विभाग की कोशिश ये है कि जो सारी जो सेवाएं उनको विभाग को उपलब्ध करानी है वो उनको सरलता से, सुगमता से और त्वरित और बिना किसी कष्ट के या सेवा शुल्क के उनको उपलब्ध कराई जाए। उसके बारे में जो नवाचार विभाग में किए गए हैं, जैसे पेंशन है, उसमें ऑटो अप्रूवल का सिस्टम कर दिया गया है। इसका मतलब अब किसी व्यक्ति को पेंशन के लिए कोई सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। कलेक्ट्रेट सभागार में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा बैठक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को किया सम्मानित। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर अंशदीप व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक प्रफुल्ल चंद्र चौबीसा व अन्य विभागीय अधिकारियों से जिले में संचालित योजनाओं की प्रगति के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कोरोना सहायता योजना और छात्रवृत्ति योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया गया। शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों की जानकारी के साथ ही सेवा प्रदाता विभाग द्वारा लाभार्थियों को त्वरित लाभ मिले इसे लेकर कई नवाचार किए जा रहे हैं, जिसमें विभाग का काफी कार्य कंप्यूटराइज कर दिया गया है, जिससे कि अधिकारियों व लाभार्थियों को कागजी कार्रवाई करने में समय न गंवाना पड़े। इस योजना में ऑटो सिस्टम लागू किया गया है। पात्र व्यक्ति को अब पेंशन के लिए सरकारी विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसी तरह स्कॉलरशिप योजना में भी आईटी का उपयोग करते हुए विभिन्न विभागों के साथ सामंजस्य बनाकर पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को कम डॉक्यूमेंटेशन में समय गंवाए बगैर उनका काम तत्काल हो जाएगा। सम्मान किया गया है। देखिए, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में अजमेर जिले में बहुत अच्छा काम हो रहा है और आज कलेक्टर साहब अंशदीप जी को और जिलाधिकारी हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी चौबीसा साहब को, अन्य एसएसओस और हॉस्टल स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी पिछले वित्तीय वर्ष जो कल ही समाप्त हुआ है उसमें जो उल्लेखनीय कार्य किया है, विशेषकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में, कोरोना सहायता योजना में और छात्रवृत्ति योजना में, उसके लिए अलग अलग लोगों को आज सम्मानित किया गया। आज समीक्षा बैठक आयोजित की गई है और विभाग जो नए नए नवाचार कर रहा है, क्योंकि विभाग का मत यह है कि जो विभाग है वो एक सेवा प्रदाता है, सर्विस प्रोवाइडर है, और जो लोग जो पेंशन लेते हैं या बच्चे जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं या जो अनाथ बच्चे हैं जो पालनहार के लिए अप्लाई करते हैं या जो कोविड पीड़ित परिवार हैं वो हमारे लाभार्थी हैं। तो विभाग की कोशिश ये है कि जो सारी जो सेवाएँ उनको विभाग को उपलब्ध करानी है वो उनको सरलता से, सुगमता से और त्वरित और बिना किसी कष्ट के या सेवा शुल्क के उनको उपलब्ध कराई जाए। उसके बारे में जो नवाचार विभाग में किए गए हैं, जैसे पेंशन है, उसमें ऑटो अप्रूवल का सिस्टम कर दिया गया है। इसका मतलब अब किसी व्यक्ति को पेंशन के लिए कोई सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने खुद के मोबाइल से या ई मित्र केंद्र पर जाकर के और अपना अंगूठा लगा करके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से जैसे ही पेंशन अप्लाई करेगा तो विदिन 10 सेकेंड्स उसको पेंशन, अगर वो पात्र है तो स्वीकृत हो जाएगी, उसको पीपीओ का प्रिंट ले सकता है और अगले महीने से उसको पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार जो स्कॉलरशिप योजना है उसमें भी हमने आईटी का उपयोग किया है और उसकी जानकारी आज मीटिंग में दी गई है। इसमें यह किया गया है कि पहले जो बच्चा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता था उसको एक फॉर्म भरना पड़ता था, उसके साथ उसका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, उसकी जो मार्कशीट है, वो सब सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते थे और फिर वो कंप्यूटर पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर उसको खोल के देखते थे और एक एक को चेक करते थे, और ये कोई तरीका नहीं था जिससे ये पता पड़ जाए कि भाई ये जो सर्टिफिकेट लगाया है या ये जो मार्कशीट लगाई है ये सही है या गलत। और 10 लाख आवेदन आते थे, उनको चेक करने में समय भी लगता था, तो और कोई तरीका नहीं था कि वो सही है और सत्यापित है, वो प्रमाणित हो सके। अब हमने कंप्यूटर का यूज़ करके, आईटी का यूज़ करके इस तरह की व्यवस्था कर दी है कि उसको एप्लीकेशन के समय सिर्फ अपना जनाधार नंबर देना होता है। जैसे ही वो जनाधार नंबर उसमें डालते हैं, हम छात्रवृत्ति के पोर्टल पे डालते हैं, तो उसका सारा डेटा, उसका जो नाम, पिताजी का नाम, सब कुछ ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, इवन उसका अकाउंट नंबर। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है, तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जैसे ही कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालता है, संबंधित एसडीएम जिनके यहाँ से वो जारी किया गया था वो कंप्यूटर खुद उसके एसडीएम ऑफिस से वहाँ से उठा लेता है। इसी प्रकार जो उसकी मार्कशीट है, मान लीजिए उसने राजस्थान बोर्ड से 10th किया है या 12th किया है या सेंट्रल बोर्ड से किया है, तो उनसे भी हमने टाई अप कर लिया है, तो सीधी उसकी मार्कशीट है, उसको सिर्फ वर्ष और अपना रोल नंबर डालना होता है और मार्कशीट वहाँ से वेरीफाई होकर आ जाती है। तो ये सारा काम कंप्यूटर के करने के कारण करीब 70 से 80% का जो काम है वो कंप्यूटर द्वारा हो जाता है।
उससे कार्य में बहुत तेजी आई है और इसी कारण से जो अजमेर जिला है वो छात्रवृत्ति में फर्स्ट आया है। सर मीटिंग में और भी फीडबैक दिया आप? देखिए मीटिंग में अभी हमारे सामने जो चुनौती है वो है जो हमारी योजनाएं हैं उसका लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। तो हम अब जिस चीज़ पे जा रहे हैं वो है कि पात्र व्यक्ति बहुत से ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि वो योजना के पात्र हैं। तो अब क्योंकि राजस्थान में हमारे पास जनाधार डेटाबेस है जिसमें लगभग 95% जनसंख्या का डेटा हमारे पास उपलब्ध है, तो उसमें हम कंप्यूटर के माध्यम से जब सर्च इंजन लगाकर और फिल्टर लगाकर हम जब ढूंढते हैं तो हमें बहुत से लाभार्थी ऐसे मिलते हैं, बहुत से मतलब लाखों की संख्या में लाभार्थी ऐसे हैं जो योजना के पात्र तो हैं पर उनको या तो जानकारी ही नहीं है या उनने अप्लाई नहीं किया। तो अब हम प्रोएक्टिव आइडेंटिफिकेशन के मोड पे जाने का विचार कर रहे हैं और कलेक्टर साहब ने इसमें पायलट करने की जो अनुमति है वो मांगी है जो उनको मीटिंग के दौरान दी गई है पालनहार योजना में। तो कंप्यूटर खुद उनको जांच करेगा और फिर उनको प्रोएक्टिव मैसेजिंग जाएगा, उसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लाभार्थी के पास मैसेज जाएगा कि हमने आपको पात्र पाया है, आप आइए और अपना बायोमेट्रिक सत्यापन करें और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे इसका हो जाता है उसको लाभ योजना का तत्काल मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें की जा रही है। अब ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि विभाग के जो लाभार्थियों की संख्या है पेंशन में ऑटो अप्रूवल होने के बाद 1 करोड़ को क्रॉस कर गई है। तो अभी हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि जो 1 करोड़ हमारे बेनिफिशरीज हैं चाहे वृद्धावस्था पेंशन के हों चाहे विधवा पेंशन के हों चाहे निशक्तजन पेंशन के हों या छात्रवृत्ति के पालनहार के हैं, ये जो बेनिफिशरीज हैं इनको जो सेवाओं का लाभ है बिल्कुल बिना किसी तकलीफ के बिना किसी कष्ट के मिल सके, DBT हो सके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उनके खाते में हो सके, इस पर विभाग सारा कार्य कर रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक प्रफुल्ल चंद्र चौबीसा ने बताया कि बैठक के पश्चात राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाची आवास में विशेष योग्यजन कल्याण संगोष्ठी एवं अंग उपकरण वितरण कार्यक्रम में बेहतरीन कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का सम्मान किया गया।